इंचार्ज जेई साहब जो हमारे बीच जुड़ चुके हैं और इनसे जाने की कोशिश करेंगे क्या समस्याएं आ रही है इनको रोड को अप्रोच करने में और फॉर्मेशन ऑफ वर्क जो कैरिड आउट किया है इन्होंने अपर सरथली टू ये जो नेका और ये थलंगल रोड जाके भंडार से मिले गए, बताएं सर। सर इसमें ये प्रॉब्लम थी हमारे पास कि इसकी रोड की हमारी जो अलाइनमेंट थी वो फिक्स हो चुकी है। ओके अब जो लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी अलाइनमेंट इसमें चेंज करनी है तो मैंने इनको बोला कि हम अपने लेवल पे इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आप आई अथॉरिटी से हमें लगा के लाओ तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो ऐसे ये थोड़ा सा अलाइनमेंट का इसका मसला, लोग थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा ये रोड की अलाइनमेंट थोड़ी चेंज करनी है बस। तो सर ये दो दिन से मसला चल रहा है, हम यहाँ कवरेज के लिए आए हुए हैं और ये आगे रोड नहीं देने जा रहे, मशीनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे जाने में, तो कैसे ये फॉर्मेशन ऑफ रोड वर्क जो है कैरिड आउट किया जाए? नहीं, हमने थोड़ा बहुत इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया, अब मुझे लगता है कि ये काम हमारा चल पड़ेगा तो अभी चलेगा मेरे हिसाब से काम। कब तक चलेगा सर ये? अभी हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है तो चलेगा ये काम अभी। तो और क्या कहना चाहेंगे आप जनरल पब्लिक? हम ये लोगों का थोड़ा तावन चाहते हैं इसमें कि थोड़ा सा रुकावट ना करें आप, इसमें थोड़ा इसको मशीन को आगे चलने दें। तो यही हमारा रोड था, ये 30 किलोमीटर पहले हमारी ये रोड की लेंथ थी। ओके तो फॉरेस्ट की वजह से हमारी ये रोड की जो है वो अलाइनमेंट जो है वो हमें चेंज करना पड़ी, ये दो पार्ट में होगी, एक हमारा ये 4 किलोमीटर और दूसरा 18 किलोमीटर सीधे से हमारा आ गया है। तो इसमें हमारा 2.5 किलोमीटर बन चुका है, हमारे पास 1.5 किलोमीटर ये लेंथ बची हुई है। तो इसको अब अगर ये हमारा काम चला बैठेगा तो महीने के अंदर इसको हम 1.5 किलोमीटर कम्प्लीट कर देंगे। तो अच्छी खबर है यहाँ के लोगों के लिए, थैंक यू सो मच सर। जो इनके सुपरविजन में रोड का काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनसे जाने की कोशिश करते हैं सर। हाँ, ये जो रोड है सरथली अपर टॉपर, ओके, ये दो पार्ट्स में हमें अलाट है। ओके, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं ये 4 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें 2.5 किलोमीटर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। ओके, और जो 1.5 किलोमीटर है इसमें थोड़ा अलाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम था, अलाइनमेंट का ये प्रॉब्लम था कि लोगों को आपस में कुछ था कि रोड कहाँ से चले जाए, कुछ जो इसमें घर थे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो खैर हमारी जो अलाइनमेंट है अलाइनमेंट के हिसाब से ही चलना है, तो ये अभी गाँव वालों के बीच में भी शायद कुछ कंसेंसस बन गया। तो ये 2 साल से ये रोड यहाँ पे बंद था इसीलिए कि कुछ झगड़ा था यहाँ पे। हमने काम शुरू किया, आप देख रहे हैं हमने 2.5 किलोमीटर इसमें कंप्लीट किए हुए हैं स्टेज फर्स्ट का, इस पर स्टेज सेकंड भी अलाट है, पैसा नहीं लगा। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ है, ये लैंड एक्विजिशन का कुछ मसला था, उस वजह से ये 2 साल ये काम बंद रहा। तो डाल रहे हैं इसको वर्क में, ये पब्लिक का क्या समस्या है? पब्लिक का थोड़ा पहले कुछ लोग यहाँ पे ये नेगेटिव रोल कर रहे थे, लेकिन अब सरपंच साहब यहाँ पे हैं तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल यहाँ पे, कुछ यहाँ पे कुछ बाशूर लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं। तो अब चलो अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, कुछ लोग रुकावटें डालते हैं, लेकिन उनकी कोशिश की वजह से ये रोड अब निकल रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसको अगर ठीक तरह चला विद इन 20 डेज या 15 डेज 20 डेज में हम इनको ये बराबर एंड तक पहुँचा गए। तो अच्छी खुशखबरी है सर यहाँ के लोगों के लिए कि रोड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट और रोड के सिवा तो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, दवाई साहब बोनी के साथ और सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं, इनके साथ जो दे हमें सरपंच इनके 13 में इनकी DPR पूरी बन गई, 14 में सेंट्रल गवर्नमेंट को गई लेकिन बदकिस्मती सेंटर ने पैसा लीज नहीं किया, 14 में इलेक्शन हो गई, 15 में ये पैसा सेंक्शन हो गया। तो जितनी भी जो हमारी बनी की रोडें हैं सारी सेंक्शन होगी, इसमें हमारा ये रोड जो है टप्पर सरथली अपर टू टप्पर जो रोड जो है इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हमारे कुछ 4 रोड जो विदाउट पड़ गए थे, उसकी वजह से जब फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई तो उसमें अलाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन फिर भी हमने लोगों ने बैठ के बात की, लोगों को बैठाया, सभी को बैठाया, हम मिलजुल कर एक फैसला किया है कि पब्लिक को साथ में लेके चलेंगे और एक ऐसा साझा फैसला करेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा मिल जाए, ये हमने आज क्लियर कर दिया। तो ये चाह तो कल ये हमारा रोड जो है चालू हो जाएगा, अब चालू है चालू रहेगा, कोई किसी की बात नहीं इसमें आएगी।